बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं मोहतरम रियाज साहब को इस शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो चीचा वतनी जैसे छोटे से शहर में बैठकर इतनी शानदार खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी ये सारी कोशिशें, उनकी लगन, मेहनत ये काबिले स्ताइश हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर सच कमेंडेबल सर्विसेज। और उनके साथ साथ वो तमाम पेरेंट्स और तमाम अहबाब जो हैं वो भी कमेंडेबल हैं, जो उन पर एतमाद करते हुए उनका साथ देते हैं। रियाज साहब के साथ पिछले कुछ 7-8 साल से मेरा ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल बैठकर वो अपने प्रोग्राम्स के हवाले से मेरे साथ डिस्कशंस करते रहते हैं। और मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे गया हुए साहिवाल में, साहिवाल, चीचा वतनी और इवन साहिवाल डिवीजन सारा। उसमें बहुत सारे शहरों में जाकर तलीमी इदारे गवर्नमेंट सेक्टर के और प्राइवेट सेक्टर के भी देखने का मौका मिलता रहा है, और अब ज़रा विजन ज़्यादा ब्रॉड हुआ है। तो अब इनकी अहमियत, रियाज साहब की अहमियत और मेरी नज़रों में बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ अगर साहिवाल सिटी की बात करें तो वहाँ जो आर्टिफिशलिटी है ना प्राइवेट इदारों में, वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वो चाहे स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज सेक्टर में हो, क्योंकि मेरा वास्ता ज़्यादातर कॉलेज सेक्टर में रहता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्कूलों का भी विजिट करने का मौका मिला। वहाँ जो एक मुझे चीज़ फील हुई वो ये थी कि वहाँ आर्टिफिशलिटी ज़्यादा है, बनावट ज़्यादा है, परफॉर्मेंस बहुत कम है। और उसके मुकाबले में जो पेरेंट्स हैं उनसे फीस कलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो उनका बड़ा मुनज़्ज़म है। और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद जो मुझे चीज़ फील हुई कि हमारे यहाँ, मतलब आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक प्रोफेशन बन चुका है प्राइवेट तलीमी सेक्टर जो है, वहाँ बच्चे के करेक्टर बिल्डिंग के हवाले से, बच्चे की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, और बच्चा वहाँ उनके अदारे से निकल के आगे किधर जाएगा उस गाइडेंस के हवाले से बहुत कम परफॉर्मेंस देखने को मिली है। जबकि ये चीज़ जो है ये रियाज साहब के स्कूल में चीचा वतनी में होते हुए, जहाँ इनके पास वसाइल की बहुत कमी है, जहाँ इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की बहुत कमी है, इसके बावजूद इनकी जो सर्विसेज हैं वो, मतलब हम यहाँ रहते हुए देखेंगे तो हमें शायद वो एहसास ना हो, लेकिन अगर आप दूसरे शहरों में जाके और उसके मुकाबले में जो नॉमिनल फीस ले रहे हैं ये, मतलब वो ना होने के बराबर। और उनकी सर्विसेज जो हैं वो इतनी शानदार हैं कि वो एक अपने उनका मुंह बोलता सबूत आप सबके सामने है। तो मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने ये बहुत शानदार प्रोग्राम अरेंज किया, और बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और चूँकि अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बाहर बता रहे थे कि मलक यासिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके बेटे का कैडेट कॉलेज में एडमिशन हुआ है, और सिर्फ एक कैडेट कॉलेज में नहीं बल्कि 5 कैडेट कॉलेज में उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। और उसके पीछे सारी कोशिश और काबिश सर रियाज की है। और मतलब दिली खुशी होती है कि जब अपने शहर के बच्चे जो हैं वो सहूलियात बहुत कम होने के बावजूद इतने अच्छे लेवल पे जाते हैं, और उसके पीछे सर रियाज जैसे कोहना मश्क लोगों की मेहनत जो है वो नज़र आ रही होती है। और मतलब सर रियाज हमेशा मुझे ये कहा करते थे कि सर मुझे ना शो ऑफ करने का इतना नहीं होता, लेकिन कोशिश इस लेवल की होती है कि बच्चे जो है वो शहर को पता चले कि ये बच्चा गया है किसी लेवल पे। तो वाकई उन्होंने प्रैक्टिकल ये चीज़ें साबित की हैं कि हर साल एक दो बच्चे जो हैं वो किसी अच्छे कैडेट कॉलेज में उनका एडमिशन होता है। तो मैं इनकी कोशिशों को सराहते हुए इन्हें सलाम पेश करता हूँ।
बड़े भाइयों की तरह हमेशा मुझे डील किया है इन्होंने, और जो भी मशवरा हमेशा इनको दिया है इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो मशवरा भी उस पर भी अमल दरामद किया है। तो सर रियाज उनकी टीम को, उनके असातिज़ा को, बच्चों को और स्पेशली पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद इस सारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने।